नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको आपके मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कब आएगा ये पता लगने वाला है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ दोस्तों, वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और उसमें लिखा हुआ है कि मूल्यांकन कार्य तेज, 10 सितंबर तक सभी परिणामों की उम्मीद। तो यहाँ पर परीक्षा के परिणामों को लेकर बड़ा अपडेट जो है वो कहा गया है कि कब आपकी परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो आएगा। तो यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानेंगे इसमें क्या लिखा गया है। CCSU से संबंध कॉलेजों में हुई फाइनल ईयर सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उसका परिणाम 10 सितंबर तक घोषित करने की तैयारी चल रही है और तेज़ी से मूल्यांकन हो रहा है। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका था, पहले मैंने दो वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कहा था कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 10 सितंबर या फिर 15 सितंबर तक आ जाएगा। हालांकि मैंने पहले 15 अगस्त से 20 अगस्त कहा था, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ती चली गई, पोस्टपोन्ड होते गए कुछ, फिर नई डेट आती रही, तो लगभग जो एग्ज़ाम का टाइमिंग था वो 24 अगस्त और 27 अगस्त तक हो गया। तो अब 27 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम है, तो उसको लेकर तो अगस्त में पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर मैंने आपको नए वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि नहीं, अब आपका जो रिज़ल्ट है वो सितंबर के पहले सप्ताह में या फिर 15 सितंबर तक आ जाएगा, क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी शुरू होना है। तो इसी को लेकर आज एक बड़ा अपडेट हो रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल्यांकन कार्य तेज और 10 सितंबर तक सभी परिणामों की उम्मीद। तो जो मूल्यांकन कार्य है वो तो हाथों हाथ चल ही रहा था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि जो आपका एग्ज़ाम हो गया उसकी कॉपी तुरंत चेक हो रही थी, लेकिन अब जिनकी कॉपियाँ चेक होनी रह गई थी उनका जो मूल्यांकन है वो तेज़ी से हो रहा है, यानी कि चेकिंग उनकी तेज़ी से हो रही है। उनका रिज़ल्ट 10 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट हो, बोर्ड हो या फिर जेई नीट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो पढ़ाई संबंधी, तो आपको सॉल्यूशन देगा फिलो ऐप। जी हाँ दोस्तों, किसी भी समय आप अपने सवालों का जवाब 3 सिंपल स्टेप में पा सकते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप या फिर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है या फिर गैलरी से अपलोड करना है। उसके बाद इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ 60 सेकंड में आपकी मीटिंग फिक्स कर दी जाएगी, आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो अभी रजिस्टर करें और आस्क फिलो। और यहाँ पर देखिए, जो न्यूज़पेपर में आगे लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों का यह कहना है कि 4 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य चल रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं कि 10 सितंबर तक सभी परिणाम जारी कर दिए जाएं, जिससे कि PG कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो एडमिशन को लेकर भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी जारी किया जाएगा। और दोस्तों, रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करना है उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आई बटन में भी उसको लगा दूँगा और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको वो शो हो जाएगी। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो लास्ट में आपको वीडियो शो हो जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे, वीडियो आपके फ़ोन में चल जाएगा कि आप अपने फ़ोन से अपना रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना रिज़ल्ट जो है आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने फ़ोन से कैसे कर सकते हैं, कितना उसमें फ़ीस लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें देने पड़ेंगे। वो संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई है, जिस लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वीडियो को देख लीजिए। और आज इस वीडियो में यही जानकारी थी आप लोगों को बताने के लिए, आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 सितंबर तक आ जाएगा। हालांकि इसमें 1 या 2 दिन ज़्यादा भी हो सकता है। और एक बात और, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट, उनका रिज़ल्ट पहले आएगा, क्योंकि उन्हें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए उनका जो रिज़ल्ट है वो चाहिए। तो इसलिए
जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं इनकी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के, उनका रिजल्ट पहले आएगा और सेकेंड ईयर का रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, और जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उनका अभी केवल प्रमोशन का रिजल्ट आएगा, उनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सेकेंड ईयर के जब एग्ज़ाम दे लेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका आएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट ये था कि जो प्रमोशन का रिजल्ट है वो कब आएगा, तो प्रमोशन का रिजल्ट आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। हालांकि वेबसाइट पर देखने के बाद आपको जो मार्कशीट है वो कॉलेज से नहीं मिलेगी, कॉलेज से मार्कशीट आपको सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जब आप दे लेंगे, जितने नंबर आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम में नंबर हैं वो दिए जाएंगे, और उसकी मार्कशीट आपको उसी कॉलेज से दी जाएगी जिस कॉलेज से आपको सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम की जो मार्कशीट दी जाएगी। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनका प्रत्येक वर्ष जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो रेगुलर के स्टूडेंट उनका सेम कॉलेज रहता है, तो वे अपना कॉलेज के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तथा इस चैनल पर नए हैं पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।